तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इसी बीच, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। चोरी के शक में पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई है। तो सोनीपत से ये बड़ी खबर, खंबे पर बांधकर रात भर डंडे बरसाए गए हैं, तो तालिबानी सजा यहां पर दी गई है। राय के गांव टांडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सोनीपत से। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। चाचा सिकंदर की दुकान में भी आग लगा दी गई। चोरी के शक में पीट पीट कर एक युवक की निर्मम हत्या की गई है, खंबे पर बांधकर रात भर डंडे बरसाए गए हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे कि राय के गांव टांडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। चाचा सिकंदर की दुकान में आग लगाई गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले में तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सोनीपत से आप तक पहुंचाई जा रही है। राय के गांव टांडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक चोरी के शक में एक युवक की बेरहमी से पीट पीट कर निर्मम हत्या की गई। रात भर खंबे से बांध के डंडे से पीटा गया, जिसके चलते युवक ने दम तोड़ दिया। तो आपको बता दें कि सोनीपत से बड़ी खबर और ये तालिबानी सजा यहाँ पर दी गई है, जिसके चलते पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फिलहाल वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। तो सोनीपत से बड़ी जानकारी, चोरी के शक में पीट पीट कर युवक की हत्या, खंबे पर बांधकर रात भर डंडे और लात खूंट से बरसाए। राय विधानसभा क्षेत्र के गांव टांडा का ये पूरा मामला है, सोशल मीडिया पर फिलहाल वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और एक दुकान में भी आग लगाई गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज सोनीपत से सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस एक्शन में है, 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। सोनीपत से ये बड़ी जानकारी, खंबे पर बांधकर रात भर डंडे बरसाए गए हैं। अहम खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं सोनीपत से। राय के गांव टांडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर फिलहाल वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। देखिए तस्वीरें सामने आ गई है, तो ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक शख्स को घेर कर यहाँ पर पीटा जा रहा है और डंडे से लात घूसे यहाँ पर बरसाए गए हैं, जिसके बाद शख्स की बेरहमी से हत्या की गई है। इसके बाद फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, जिस तरीके से तालिबानी सजा एक शख्स को दी गई चोरी के मामले को लेकर, फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, गिरफ्तारी हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए 7 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। जिस प्रकार से 4 से 5 घंटे तक जो है एक शख्स पर जो है जुल्म ढाए गए हैं और बर्बरतापूर्ण जो है खंभे से बांध कर उसके साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो है शव को नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और फिलहाल जानकारी ये आ रही है कि दो लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, बाकी लोगों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जिस प्रकार से एक युवक को हवानियत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी बर्बरतापूर्ण वीडियो देखा जा रहा है और काफी लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से रात को ये लड़के को पीटा गया है और उसके बाद ये वीडियो को लेकर पुलिस ने बीच में कठोर कार्रवाई जो है वो करनी शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ अभियान जो है तेज किया है। हालांकि 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक चाचा है और एक नाबालिग लड़का भी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन जिस प्रकार के राई विधानसभा क्षेत्र के गाँव टांडा का यह रूह कपा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें सतेरे भाई सैदान बने हुए हैं और चोरी के शक में बर्बरतापूर्ण जो है युवक की पिटाई की गई। रात को ये अपने चाचा की दुकान पर गया था, इस दौरान चाचा की दुकान के नजदीक ही उसकी दुकान पर आग लगा दी गई और वही खंभे से बांध कर इस युवक को, यानी कि अशोक है, और अशोक को पिटा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है और नए लोगों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान तेज किया है। जी बिल्कुल, लेकिन राम, जिस तरीके से सोनीपत से लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं, पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए सोनीपत में जो है क्राइम बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आए दिन लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदात जो है बिल्कुल आम हो गई है और जिस प्रकार से
लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं, तो वही दूसरी तरफ अब ये घटना जो है कुंगली बॉर्डर के नजदीक जो है गांव टांडा में घटित हुई है। और जिस प्रकार से ये वही एक दृश्य जो है सबकी आंखों के सामने आ रहा है, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में एक युवक को सरेआम जो है काट दिया गया था, उसके हाथ काट दिए गए थे, उसी प्रकार बांध कर यहाँ पर मारपीट की गई है। तो ये एक वीडियो दोबारा क्षेत्र में देखा गया है, तो निश्चित तौर पर एरिया में और गांव में जो है दहशत का माहौल जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से इस युवक के साथ मारपीट हुई है, ऐसे में पुलिस की कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हत्या लूट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। चलिए ठीक है राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार हम लोग आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक शख्स की निर्मम हत्या की गई है। फिलहाल दो की गिरफ्तारी हुई है, 5 की तलाश अभी लगातार जारी है।